नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिवॉर्मिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में बताऊंगा, और मैंने इस पर पहले वीडियो बना रखी है, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि डिवॉर्मिंग क्या होती है, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसका पूरा शेड्यूल कि जब बच्चा पैदा होता है और उसकी लाइफ टाइम तक आपको कब कब डिवॉर्मिंग करनी है, सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। बट आज की वीडियो बनाने का एक मोटिव है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो इस चीज़ को अभी भी इग्नोर कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले क्या हुआ था, एक केस आया था टाइसन का। वो बच्चा जर्मन शेफर्ड पप्पी था, 2 महीने का। वो वैक्सीनेशन के लिए आए थे, बट जब वो वैक्सीन के लिए आए, हमने उसको ऑब्जर्व किया तो वो बच्चा काफ़ी डल था। उसकी जो हेयर कोट थी वो काफ़ी रफ थी, और उसके ओनर ने ये हमें बताया कि इसको एक बार वोमिटिंग हुई है। जब हमने ओनर से पूछा कि क्या आपने इसकी डिवॉर्मिंग करवाई है, तो उन्होंने मना कर दिया कि इसकी डिवॉर्मिंग नहीं हुई है। तब हमने उनको कहा कि आप 2 दिन के बाद आना, जब बच्चा हेल्थी हो। उसका हमने वोमिटिंग का ट्रीटमेंट करके उसको भेज दिया। बट जब वो नेक्स्ट टाइम क्लिनिक पे आया, तब उस बच्चे ने क्लिनिक के अंदर ही वोमिटिंग कर दी, और हमने क्या देखा कि वोमिटिंग के अंदर उसके वॉर्म्स थे, और वॉर्म के साथ साथ ब्लड भी आ रहा था। वोमिटिंग के अंदर वॉर्म्स और ब्लड आना, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस साइन है। ये जब बच्चा सीरियस कंडीशन के अंदर होता है, उसमें वॉर्म लोड ज़्यादा होता है, तभी ये ऐसी चीज़ होती हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि जो बच्चा है उसको लूज मोशन स्टार्ट हो गए, और जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि अगर बच्चा एक बार बीमार हो जाता है ग्रोइंग स्टेज के अंदर, कभी उसको वोमिटिंग या लूज मोशन हो जाते हैं, तो वो धीरे धीरे पार्वो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और इस केस में भी यही हुआ, जो बच्चे की इंटेस्टाइन थी वो काफ़ी डैमेज कर रखी थी वॉर्म्स ने, और उसी का फ़ायदा उठाया उस पार्वो वायरस ने, और उस बच्चे को पार्वो भी हो गया है। अब उस बच्चे को वॉर्म के साथ साथ पार्वो का इन्फेक्शन भी हो गया है। उसकी जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन के अंदर आ गई है, और वो इतना ज़्यादा बीमार हो गया था, इतना ज़्यादा डल हो गया था कि उसको हॉस्पिटल के अंदर हमने एडमिट किया। उसकी 1 वीक तक ड्रिप चली है कंटिन्यूस, एक दिन में 3 बार उसकी ड्रिप चली है। उसकी डिवॉर्मिंग का जो प्रोटोकॉल है, शेड्यूल है, वो हमने फॉलो किया है। उसके बाद वो बच्चा है ठीक हुआ है, बट काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी। तो आप लोग इस चीज़ को इग्नोर ना करें, डिवॉर्मिंग है। काफ़ी लोगों का बिजी शेड्यूल है, लोग बार बार डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि डिवॉर्मिंग के अंदर जब बच्चा छोटा होता है, हर 15वें दिन आपको उसकी डिवॉर्मिंग करनी होती है। तो कई लोग होते हैं वो बिजी होते हैं, और कई लोग होते हैं वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना। तो आप लोग घर पर भी उसकी डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। सस्पेंशन आते हैं, आप लोग घर पे इजीली उसको दे सकते हैं। अगर आपका जो डॉग है वो अडल्ट है, तो उसके लिए टैबलेट्स आते हैं, वो आप लोग खिला सकते हैं। बट उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टैबलेट खिलानी है, कब कब खिलानी है, और कितनी देनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को पूरी नॉलेज हो डिवॉर्मिंग के बारे में। और जो मैनेजमेंट है बच्चों का, वो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है उनकी लाइफ के ऊपर। अगर आप बच्चों को अच्छे से मैनेज करेंगे, तो उनकी ग्रोथ है वो अच्छी होती है। अगर डिवॉर्मिंग नहीं करवाएंगे, तो वॉर्म्स है उनका ब्लड सक करेंगे, उनकी बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाती है, उनका वजन नहीं बढ़ता, उनका जो हेयर कोट है वो ज़्यादा वीक हो जाता है, ड्राई हो जाता है, उनके जो बाल हैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, काफ़ी कंडीशंस हैं। आपके डॉग के अंदर खून की कमी हो जाती है, उसका जो लीवर है वो भी कई वॉर्म्स हैं वो डैमेज करते हैं, तो लीवर डैमेज हो जाता है। तो ये सारी कंडीशंस है वो वॉर्म्स के अंदर हो सकती है। तो आप लोग इस चीज़ को इग्नोर ना करें, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप अपने बच्चे को अच्छे से मैनेज करें, ताकि आपके बच्चे के साथ ऐसा बिल्कुल भी ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको समझ आया कि डिवॉर्मिंग करवानी चाहिए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे की डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन है वो प्रॉपरली करवाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।